The सड़क नामा की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए नमस्कार मैं प्रमोद कुमार इस समय मौजूद हूँ सिरसा जिले की डिंग मंडी में और आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ पिछले कई दिन से मौसम में जिस तरह से बदलाव रहा तो बारिशें भी आई और इस डिंग मंडी के किसान आसपास के किसान लगातार हमें फेसबुक पे और यूट्यूब पे मैसेज भेज रहे थे कि इस डिंग डिंग मंडी क्षेत्र की इस मंडी का निरीक्षण कीजिए क्योंकि यहाँ पे जो जो गेहूँ है खास करके किसानों का गेहूँ है वो खुले में पड़ा है और तो पिछले जैसे ही बारिश हुई तो इस बारिश की मार इस गेहूं पे भी पड़ी और काफ़ी गेहूं है वो ख़राब भी हुआ है हालांकि जो आड़ती है वो किसान है इस गेहूं को सुखाने का प्रयास भी कर रहे हैं लेकिन मौसम में जिस तरह से बदलाव हो रहा है तो ये बड़ा नुकसान है वो देखने को मिल रहा है सीधे तौर तो पे ज़िम्मेदारी मार्केट कमेटी की है क्योंकि किसान अपने खेत से गेहूँ अनाज मंडी में ले आता है तो सीधे तौर तो पे ज़िम्मेदारी मार्केट कमेटी की हो जाती है मार्केट कमेटी पूरी तरह से प्रबंध है वो किसानों को नहीं दे पाती हालांकि यहाँ इस अनाज मंडी की बात करूँ तो सेड है लेकिन वो सेड पर्याप्त नहीं है क्योंकि इस जो ये सबियार्ड है डिंग मंडी इसके आसपास के जितने भी गांव हैं वहाँ पर काफ़ी किसान है यहाँ पर गेहूँ ले करके आते हैं और पिछले कई दिन से जो किसानों का गेहूं है वो यहाँ खुले में है उठान की भी समस्याएं हैं क्योंकि उठान की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा कि जिस तरह से शेड के नीचे काफ़ी जो बैग्स हैं गेहूं के वो पड़े हैं उठान नहीं हो पा रहा है और जब तक उठान नहीं होगा तब तक किसानों का गेहूं है वो भी नहीं बिकेगा और किसान का गेहूँ है वो भी खुले में पड़ा है मैं आपको तस्वीरें भी दिखा रहा हूँ काफ़ी जो गेहूँ है वो भी क्योंकि तो जो क्वालिटी है वो गेहूं की ख़राब हो चुकी है नुकसान हो रहा है और जिस तरह से अब किसान सरकार ने भी कहा है कि किसानों के गेहूं की क्वालिटी को लेकर के कुछ कटौती भी की जाएगी तो इसका सीधे तौर पे नुकसान है वो किसानों को उठाना पड़ रहा है मेरे साथ समय डिंग मंडी के किसान नेता हैं रामदत्त पुनिया हम इनसे चर्चा करते हैं जिस तरह से उठान जो है नहीं हो पा रहा है और जो किसानों का गेहूं है वो खुले में पड़ा है और जो गेहूं की क्वालिटी है वो भी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है नुकसान हो रहा है कहीं ना कहीं इसको लेकर के ज़िम्मेदारी किसकी है किस आप जिम्मेदार मानते हैं इसकी ज़िम्मेदारी तो सीधे सीधे प्रशासन की है जी मार्केट कमेटी में जो किसान का जो फसल आ जाती है उसके बाद में पूरा सौ का सौ फीसदी जैसे बिल्लू भाई साहब कहते हैं सौ का सौ फीसदी मार्केट कमेटी की प्रशासन की जिम्मेदारी है ये जो ये तो प्रशासन को पता है भाई गेहूँ आना है सरसों आना है इसकी प्राप्त मात्रा में दो साइड ओवर निर्माण होना चाहिए और यहाँ आने के बाद में हमारी जो अभी सरकार कह रही है अभी नौ रुपये पिचासी पीस जो भी तेरह रुपये घटा रहे हैं इसकी चमक खत्म होगी कटौती तो हमने तो कटौती इसकी चमक खत्म होने हमारा कोई नहीं हमने तो छः महीने बैठे कितने हैं चार महीने बैठे कितने हैं पाड़ पोष के इसको लाया बिल्कुल अच्छी चमक थी अब उसके बाद मौसम खराब की वजह से यहाँ पड़े, पड़े पड़े सरकार का प्रशासन का यहाँ कोई इंतजाम नहीं है अगर इसकी चमक ख़त्म होती है तो सीधे सीधे हमारे किसानों तक को कोई रोल नहीं है इसके लिए प्रशासन दोषी है और हमें अपना अन्नदाता को उसका हक मिलना चाहिए इस देश को चलाने के लिए या तो मजदूर या किसान ये चला रहे है हैं या छोटे मोटे अपने अंडी मंडी की जो अड़ोस पड़ोस छोटे व्यापारी चला रहे हैं ना कि उद्योगपति या कॉपरेट घराने की चला रहे हैं ये तो सीधा सीधा बड़े लोगों को सीधा फ़ायदा पहुंचाने के लिए सरकार एक योजना पर तरीके से गरीब को गरीब अमीर को अमीर करने का एक तरीका योजना पर किस तरह से बारिश हुई तो क्या मार्केट कमेटी के पास उस तरह की इंतजाम नहीं है कि गेहूं को ढक के रखा जा सके ताकि जो किसान का गेहूं है वो बर्बाद ना हो कोई भी इंतजाम नहीं इससे अच्छा तो हमारे खेतों में पल्ल होते हैं जी हमारे कमेटी के अंदर पलना पल नाम की कोई चीज़ कोई इंतज़ाम नहीं है यहाँ जब क्रिकेट का मैच होता है तो उनको पता है कहाँ से ले लंबे लंबे लेके आते हैं ये दो मिनट में सुखा भी देते हैं परंतु एक अनाज का जिससे 130 करोड़ लोगों का पेट भरने का काम करता है अनदाता उसकी जब अनाज सड़ता है तो हमारी आत्मा तो बड़ी जलती है पर हमारे पास कोई इलाज नहीं है इसके लिए बिल्कुल प्रशासन दोषी है और ये हमारे दूसरे मुद्दों पर उलझा उलझा के हमें अपने मुद्दे से भटका रही है इसके लिए प्रशासन को कुछ उचित कदम उठाने चाहिए धन्यवाद धन्यवाद तो ये थे मेरे साथ किसान मेरे साथ साथ रामदत्त किसान किसान नेता कुछ और किसान भी हैं मैं इनसे भी सिलसिलेवार चर्चा करूँ हाँ जी ताऊ जी क्या नाम आपका जी तो आप कौन सा काम आपका ओ ये दिंग तो क्या व्यवस्था नहीं है किसान जब गेहूँ लेकर के अनाज मंडी में पहुँचता है और पिछले कई दिनों से बारिश में गेहूँ भीग भी रहा है भीज रही है जी जी तो किसकी जिम्मेदारी है किसानों के साथ और कमेटी वाली ऑफिसरंगी है जी जी बहुत सही है नुकसान हो रहा है किसानों को इसको लेकर के हां भीज रही है सारी गेहूं जी, जी। कितने दिन से कितने दिन से आपका क्या नाम है सर शीशपाल जी जी तो आपका कौन सा काम है ट्रेडिंग मंडी है ट्रेडिंग मंडी तो कितने दिनों से भीग रहा है गेहूं यहां अनाज मंडी यहां काफी दिनों से भीग रहा है जी कम से कम महीना हो गया लगभग जी जब ये उखड़ा उसी दिन से ही मौसम खराब चल रहा है उसी वजह से आपके सामने पेमेंट भी जल्दी नहीं आ रही अच्छा, पैसे भी नहीं आ रहे तो नहीं है मुकेश कुमार कौन सा काम है किसान का जो आ है वो भी पे आ रहा है तो व्यवस्था पूरी नहीं है मार्केट कमेटी की तरफ से खुले में पड़ा गेहूँ यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है सर यहाँ तो पे जिस दिन से गेहूँ आई है उस दिन से बारिश आ रही है और यहाँ पे दस मिनट खड़े रहने के लिए जगह नहीं है इतनी बदबू आ रही है कोई सिस्टम नहीं है एक सेड है इसके नीचे कितनी कितनी की आ सकती है कोई इसके साथ में सरसों का चल रहा है साथ में कनक का आ रहा है कोई व्यवस्था नहीं है बिल्कुल ही बस बुरा हाल हो रहा है अनाज का तो किसानों किसानों के खाते में राशि आ रही है पेमेंट आ रही है किसानों के खाते में नहीं जी सरसों की तो पेमेंट एक दो आई है बाकी जो गेहूं की पेमेंट अभी तक किसी किसान की जारी नहीं हुई आज सुबह दस बजे तक अपडेट हमने किया था तो आज किसान दर दर की ठोकर रहा है अपने जो भी अर्थ भाई है उनके पास जाते हैं कहते हैं हमें दस बीस हज़ार पचास हज़ार से ये वो जो तेल के लिए बीज के लिए ट्रैक्टर बॉय के लिए तो वो कहते हैं भैया आपका तो सीधा संबंध खाते में आएंगे अब ये इनकी व्यापारियों की और सरकार की उधेड़ बिन में बिल्कुल किसान फंस चुका है उनको पता नहीं क्या करना है एक तरफ तो कैसे कह रही हैं आपको समझ कर रहे हैं दूसरी तरफ हमें उलझा के बिल्कुल ना घर का रख रह रहे हैं ना घाट का रख रहे हैं तो बिल्कुल दुखी है किसान अनदाता दुखी है तो ये थे मेरे साथ किसान और जिन्होंने कहा कि जिस दिन से गेहूँ इस अनाज मंडी में आ रहा है तभी से मार्केट कमेटी के पास पर्याप्त प्रबंध नहीं है गेहूं है लगातार बारिश हो रही है तो गेहूं है बारिश में भीग रहा है और हमने आपको दिखाया था कि किस तरह से गेहूं जो है वो ख़राब होता जा रहा है और इसका सीधे तौर पे चूना है वो किसानों को लग रहा है आ, हमने आपको दिखाई ये सिरसा जिला का डिंग मंडी सब यार्ड है जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे सरसों और गेहूं की खरीद है वो वो दोनों ही खरीद है वो पैदल चल रही है और किसानों को बड़ा नुकसान यहाँ पे उठाना पड़ रहा है लगातार हमारे स्टाफ बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए और अगर ये वीडियो फेसबुक या ट्विटर पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना मिले बहुत बहुत शुक्रिया